नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर और तमाम अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन बड़ी तेजी से जारी है। आए दिन किसी न किसी अपराधी को धर दबोच कर जेल की काल कोठरी में डाला जा रहा है। फिर चाहे वो अपराधी कोई हिस्ट्री शीटर हो, बदमाश हो या फिर राजनीति का सफेद चोला ओढ़े कोई बाहुबली नेता, सभी पर कानून का शिकंजा तेजी से कसा जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में पुलिस ने कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे 25,000 के इनामी समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। इटावा के एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने धर्मेंद्र यादव की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। उन्होंने सोमवार को बताया कि धर्मेंद्र यादव को आज उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो गेट नंबर 3 से कोर्ट में सरेंडर करने के लिए जा रहा था। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि धर्मेंद्र के सरेंडर करने की सूचनाएं कई बार मिली, लेकिन आज पुख्ता सूचना के बाद धर्मेंद्र यादव की गिरफ्तारी सिविल लाइन पुलिस और अपराधी शाखा ने संयुक्त ऑपरेशन के तहत चेकिंग के दौरान की। एसएसपी के मुताबिक सपा नेता धर्मेंद्र यादव 4 जून की देर शाम इटावा की जिला जेल से जमानत पर रिहा हुआ था, जिसके बाद 5 जून को सुबह जेल से बाहर निकलने पर उसने अपने समर्थकों के साथ एक जश्न जुलूस निकाला, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसका खूब विवाद भी हुआ और इसके खिलाफ विरोध भी किया गया। उन्होंने बताया कि वीडियो के आधार पर धर्मेंद्र यादव और उसके 200 समर्थकों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। धर्मेंद्र की तलाश में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी भी कर रही थी। धर्मेंद्र के काफिले में शामिल 39 लोगों को पकड़ा भी जा चुका है अभी तक। इसके अलावा 29 गाड़ियों को भी जब्त किया गया था, लेकिन धर्मेंद्र यादव का कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया था। जिसके बाद यह जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि आज मुखबिर के जरिए इस बात की सूचना मिली थी कि धर्मेंद्र यादव कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचने वाला है। इसके बाद क्या था, पुलिस ने सघन चेकिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल धर्मेंद्र यादव को सिविल लाइन थाने में ले जाया गया है, जहां पर उससे विभिन्न स्तर पर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि हूटर रैली निकालने पर धर्मेंद्र यादव समेत 200 समर्थकों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में धारा 188, 269, 270, 7 और साथ ही CLA एक्ट के और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं इस मामले में सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक ओम प्रकाश पांडे, स्थानीय अधिसूचना इकाई के प्रभारी निरीक्षक पुनीत कुमार शर्मा, जेल चौकी प्रभारी भानु प्रताप सिंह, बकेवर थाना के महेवा चौकी प्रभारी विष्णुकांत तिवारी, यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल योगेश कुमार, कांस्टेबल अजय कुमार और साथ ही कांस्टेबल ब्रजपाल सिंह, ट्रैफिक पुलिस को एसपी सिटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। तो देखा आपने किस तरह से यूपी पुलिस मुस्तैदी के साथ उत्तर प्रदेश में शांति बनाए रखने के लिए लगातार एक्शन मोड में है, और इस एक्शन मोड में वो किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। फिर चाहे वो कोई अधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो, कोई नेता हो या फिर कोई बदमाश, सबको बराबरी से नापा जा रहा है। तो आपकी नजर में इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीके न्यूज से अभिराज की रिपोर्ट। धन्यवाद।